डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से नांदेड़ में मुखन्निसों के लिए एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने नांदेड़ हुजूर साहब रेलवे स्टेशन में किन्नर समाज से ताल्लुक रखने वाले अफराद को इंसाफ और उन्हें समाज में एक बेहतर ज़िंदगी मैसर कराने के लिए तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद किया। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी किन्नर समाज को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की हिदायतें रियासती हुकूमत को जारी की गई हैं, जिसमें इन्हें बेहतर तालीम, तिब्बी खिदमात की फराहमी और समाज में बेहतर ज़िंदगी गुजारने के मुतालिक रहनुमायाना उसूल जारी किए गए हैं। इसी पस मंज़र में नांदेड़ रेलवे स्टेशन में इस तरबियती वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। इस तरबियती वर्कशॉप में नांदेड़ महकमे रेलवे के अफसरान, सेशन कोर्ट के जज, समाजी कारकुनान के अलावा कसर तादाद में किन्नर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद थे। इस मौके पर किन्नर समाज से ताल्लुक़ रखने वालों ने इंतजामिया और हुकूमत से उनके लिए अलहदा तौर पर शमशान भूमि देने का मुतालबा किया। इसी तरह इस समाज को दीगर बुनियादी सहूलियात भी फराहम किए जाने की मांग की गई। विधि सेवा प्राधिकरण नांदेड़ यांच्या मार्फत ट्रांसजेंडर तृतीयपंथी यांच्याकरिता एक विशेष सेमिनार घेण्यात आलं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी जे डायरेक्शन दिलेले आहेत, समाजामध्ये ट्रान्सजेंडरबद्दलची लोका समाजात जी भावना आहे, लोक त्यांना जवळ करत नाहीत आणि किंवा ट्रान्सजेंडर हे आपले समाजातले आपले घटक आहेत अशा पद्धतीने त्यांना सामील करून घेत नाहीत आणि ही समाजातली जी भावना आहे दूर करण्यासाठी आज आपण रेल्वे स्टेशन नांदेड येथे ह्या सेमिनारचं आयोजित करण्यात आलं। माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडरची व्याख्या ठरवली आणि तसेच ट्रान्सजेंडरचे जे काही अगदी जन्मापासून मृत्यूपर्यंत कशा पद्धतीचे हाल होतात याबद्दलचं ऑब्झर्वेशन दिलं आणि त्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटला त्यांना ह्या ट्रान्सजेंडर आहेत यांच्यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता, त्यांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये सुधारणा करण्याकरिता ज्या काही काउन्सिलिंग असेल किंवा त्यांना बाकीच्या ज्या काही फॅसिलिटी असतील त्या अवेलेबल करून देण्याकरता निर्देश दिलेले आहेत आणि तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांनासुद्धा असे निर्देश दिले की समाजातील सर्व लोकांच्यामध्ये त्यांच्याबद्दलची जाणीव निर्माण करून द्या, ट्रान्सजेंडरबद्दलची एक आपुलकी निर्माण व्हावी, लोकांच्यामध्ये एक चांगली भावना निर्माण व्हावी, वैद्यकीय सुविधा त्यांना प्राप्त व्हाव्यात, शालेय जीवनामध्ये सुद्धा त्यांना शिक्षण घेण्यात यावं, ह्या सर्व सुविधा त्यांना प्राप्त व्हाव्यात आणि ह्या उद्देशानं आम्ही आज ह्या कार्यक्रमाचं आयोजित केलेलं आहे। बस बडे बडे साहेब लोगों ने मीटिंग रखी थी, कुछ हमारे में गलती आए, कुछ समाज में गलती आए, तो दोनों ने भी सुधरना चाहिए, हमारे किन्नरों ने भी अच्छा रहना चाहिए और जो सरकार से सबके लिए सुविधा मिलती है वो हमारे किन्नरों के लिए भी मिलना चाहिए। बस इसी के बारे में मीटिंग रखी थी, हम सब किन्नर समाज आए हैं और उन्होंने हमारा दुख सुना है, बहुत बहुत उनका एहसान उपकार हो जाएगा। कोई है कि हमारे हमको कब्रिस्तान मिलना चाहिए, मसनवाटा, शमशान भूमि, बस हमारे किन्नरों के मरने के बाद बहुत हाल होते हैं, वो होना नहीं चाहिए। और जो लोगों ने चलाए रखे हैं ना, जो बहुत सारे हमारे किन्नरों के अंदर जो परता है वो सब बंद होना चाहिए। हमारा हमको कब्रिस्तान मिलेगा ना तो सभी परता अपने आप बंद हो जाएंगी।